देवास जिले की हाटपिपलिया पुलिस ने लूट का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से लूट का माल बरामद करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी ने 23 मई को फाइनेंस कर्मचारियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। देवास जिले के हाटपिपलिया के ग्रीन पार्क कॉलोनी में 23 मई को मतगणना के दिन भारत फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2 कर्मचारियों से दिन दहाड़े 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट कर बैग में रखे 6,63,000 रूपए छीन कर भाग गए थे। SP चंद्रशेखर सोलंकी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना और साइबर सेल के सहयोग से आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये आज जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। हाटपिपलिया क्षेत्र की माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जब वो अपना 6,63,140 रुपये का जो पैसा है वो बैंक जमा कराने जा रहे थे, इस बीच 4 अज्ञात आरोपियों द्वारा जो 2 मोटरसाइकिल पर आए थे उनके द्वारा हाटपिपलिया क्षेत्र में उनको मारा पीटा और इनका जो रुपये से भरा बैग था वो छीनकर ये लोग भाग गए थे। इसमें हमने टीम बनाई एडिशनल SP नीरज चौरसिया और SDOP सुशीलदेव जी के नेतृत्व में। टीम ने लगातार दबिश की, मुखबिरों की सूचना पर हमने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 4 आरोपी हमारी गिरफ्त में हैं। टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। टीम को इस कार्य के लिए नगद इनाम से भी नवाजा जाएगा। सर, क्या आंदोलन अपराधी है जिस तरह के 4 आरोपी जो पहले भी अपराध में देखे? जी हाँ, इसमें जो 4 आरोपी हैं ये इंदौर क्षेत्र के तरफ के रहने वाले हैं और इनके ऊपर पूर्व में भी गंभीर आरोप इन पे लगे हैं और इन्होंने गंभीर अपराध भी किए। क्या सर, इनका रिमांड लिया जाएगा क्या? और भी खुलासा होने के चांस हैं क्या इनसे? अभी हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो तक आप सामने आएगा आपको संज्ञान में लाया जाएगा। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है, जिससे अन्य चोरी और लूट की घटनाओं का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INC24 न्यूज, इंदौर।